तो ये शिमला मिर्च की नर्सरी दोस्तों, इसका इसकी जर्मिनेशन जो है हो चुकी है। तो कुछ नन्हे नन्हे प्लांट जो बीच में जर्मिनेट हो रहे हैं, तो अंकुरण जो इसका प्रॉपर अंकुरण हो चुका है। तो मैंने इसको जो है इसी स्पेस में लगाया था, तो जैसे इसका बीज डाला था प्रॉपर पूरा का पूरा बीज जो है अंकुरण हो चुका है। तो वीडियो के माध्यम से आज आपको पूरी नर्सरी की जानकारी बताऊँगा कैसे डाली जाती है और कैसे तैयार हुई। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, साथ में चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब के बेल आइकन के ऑल बटन के आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे से जो भी जानकारी साझा करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हाय गाइस, तो कैसे हो आप सभी, होप सो मज़े में होंगे। तो आज मैं आपको कैप्सिकम जो शिमला मिर्च की नर्सरी के बारे में जानकारी बताऊंगा, शिमला मिर्च की नर्सरी कैसी डाली जाती है और कैसे डाली जाती है और कैसी डालनी चाहिए। तो वीडियो को जो लास्ट तक जरूर देखें, साथ में चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब के बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आगे से जो भी जानकारी साझा करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये देख सकते हैं हमने जो इसके लिए एक प्लांट जो है बेड तैयार कर लिया है। कैप्सिकम का सीड डालेंगे, हाइब्रिड कैप्सिकम शिमला मिर्च। तो ये हमने जो टमाटर के लिए रख ली, तो ये यहाँ जो है ग्रीन चिल्ली डाल दी हमने, हरी मिर्च डाल दी। तो यहाँ इस बेड में डालेंगे शिमला मिर्च की नर्सरी। इन बेड को जो हम चारों तरफ से दोस्तों इसकी 3-4 बार पहले गुड़ाई कर ले, इसमें जो है गोबर जो वर्मिंग कंपोस्ट वगैरह जो है मिश्रण कर ले अच्छी तरह से, ताकि जो है जमीन जो ज़्यादा उपजाऊ बन सके और नर्सरी जल्दी तैयार हो सके। तो इस बेड को जो बिल्कुल चारों तरफ से उठा लेना चाहिए, जैसे हमने ये मिट्टी को जो है उठा लिया है, ताकि जो है बरसात में बारिश में जो पानी वगैरह आए और पानी वगैरह आए और साइड से निकल जाए, बेड जो है ख़राब ना हो। तो ये हमने जो यहाँ से सीड्स निकालिए दोस्तों, ये शिमला मिर्च के जो है सीड्स निकाल लिया हमने इन हाइब्रिड पैकेट से। कैप्सिकम जो ये हाइब्रिड जो है शिमला मिर्च का पैकेट, यहाँ से हमने जो है शिमला मिर्च का जो है ये बीज निकाला। तो अब हम दिखाएंगे इस बीज को जो है कैसे डालना चाहिए और कितने स्पेस में इस बीज को डालना चाहिए। तो वीडियो को जो लास्ट तक जरूर देखें और साथ में चैनल को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि और लोगों को भी जो है जानकारी मिल सके। तो देख सकते हैं हमने बेड को जो है चारों तरफ से उठा लिया, यहाँ से भी उठा लिया और आगे से भी ऊपर जो है ऊपरी की साइड को जो है उठा लिया है। तो ये फासा मेरे साथ में जो है कंकड़ पत्थर भी निकाले, बिल्कुल यहाँ से जो बीच बीच से बिल्कुल छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर ऐसे जो है निकाल लें, ताकि पौध के जो नन्ना सा सीड्स होता है, बीज होता है इसका शिमला मिर्च का, उस बीज को जो है दबा ना दिए। अगर बीज दब जाएगा तो उसकी जर्मिनेशन जो है नहीं होगी, वो प्लांट जो अंकुरित नहीं होगा और जो हमें उसका फार्मर को जो उससे घाटा पड़ जाएगा। तो ये देख सकते हैं ऐसे, तो मॉइस्चर देख सकते हैं आप जमीन में, मॉइस्चर कितना बहुत अच्छा मॉइस्चर है, बिल्कुल इसी तरह का मॉइस्चर रहना चाहिए, इसी तरह की नमी रहनी चाहिए, ताकि जो बीज जल्दी फूट जाए, जल्दी अंकुरित हो जाए। जितना अच्छा मॉइस्चर रहेगा, जितनी अच्छी नमी रहेगी, बीज उतनी जल्दी जो है फूट जाएगा और उतनी जल्दी अंकुरित होगा। तो आज देख सकते हैं दोस्तों मौसम भी थोड़ा ख़राब है, बिल्कुल ख़राब मौसम है, बारिश लगने वाली है, तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी सुबह ही जो है इसमें सीड्स प्लांट नर्सरी डाल रहे हैं, ताकि सेकेंड टाइम जो बारिश ना लग पड़े, और बारिश लगने की वजह से हमें जो है लेट हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो है लेट हो रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, अब हम डालेंगे इसका सीड्स। तो ऐसे जो इसको बिल्कुल ये इस सीड्स को जो है ऐसे ऐसे डाला जाता है, बिल्कुल इस तरह आप डाल दो अभी। तो ये देख सकते हैं ऐसे जो है सीड्स को डाला जाता है, मैं एक हाथ से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, वीडियोज कवरेज कर रहा हूँ, वो दूसरे हाथ से जो है सीड्स डाल रहा हूँ। तो थोड़ा इस तरह से डालें ताकि बीज के ऊपर बीज ना आए, बिल्कुल इसी तरह से आप डालें ताकि बीज के ऊपर बीज ना आए और एक प्लांट जो है दूसरे प्लांट से इरिटेट ना हो, हिले ना, ताकि हम जब इसकी नर्सरी निकालें तो दूसरा प्लांट जो है इरिटेट ना हो, हिले ना। अगर प्लांट जो है इरिटेट हो जाएगा, नन्ना प्लांट, तो वो मुरझा जाएगा और मर जाएगा। तो इस हिसाब से जो आप बिल्कुल ऐसे सीड्स डालें, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दें, ताकि इसमें जो है स्पेस मिल जाए। तो इस तरह से आप जो है, हम इस तरह से डालते जाएंगे, बिल्कुल पूरी सीड्स डालेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको जो ऊपर से इसके ऊपर मिट्टी दी जाती है और कैसे इसको बाद में जो क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या करना है आगे, बिल्कुल वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा आपको, बिल्कुल लाइव चल रहा हूं मैं अभी। तो हमने यहाँ जो फाइनली जो है सीड्स डाल दिया है, तो अब इसकी जो है, तो इसको जो है ऐसे
यहाँ से जो है मिट्टी के द्वारा ऐसे ढक दें, ताकि थोड़ी थोड़ी जो हल्की हल्की बारिश भी लग पड़ी दोस्तों, तो सुबह का समय हल्की हल्की बारिश भी लग पड़ी है, तो आप देख सकते हैं ऐसे जो है कैसे जो है इसको ढक रहे हैं ये इस तरह से, बिल्कुल हल्की हल्की, बिल्कुल बिल्कुल हल्की हल्की मिट्टी दे, बिल्कुल छोटी छोटी, इतनी इतनी हल्की हल्की मिट्टी दे, ताकि ज़्यादा इस पर ज़्यादा मिट्टी ना दे। अगर ज़्यादा मिट्टी देंगे तो इसमें जो है सीड जो है, ज़्यादा मिट्टी देंगे तो बीज जो है सड़ जाएगा और जो टोटल ऑफ जर्मिनेशन जो है अंकुरित होना जो बंद हो जाएगा, और इससे जो है फार्मर को जो है घाटा पड़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि इसने जो है छोटा सा बेड जो है नर्सरी का डाला, तो मैंने छोटा सा बेड इसलिए डाला क्योंकि हमें अपने ही लिए ही डाल रहा हूँ। आपको पता है कैप्सिकम शिमला मिर्च का बीज जो है काफ़ी महंगा होता है, तो इस ये तकरीबन जो है ये इनसे जो हम 2000 प्लांट निकलाएंगे, तो हम इतना ही प्लांट जो है नर्सरी का अपने खेत में सिर्फ अपने ही लिए डालते हैं। हम शिमला मिर्च का बीज, टमाटर का बीज तो हम बेचने के लिए भी डाल देते हैं, अगर शिमला मिर्च का प्लांट जो है अपने लगाने के बाद बढ़ जाए तो हम उसको जो है सेल भी कर देते हैं और लोगों को बेच भी देते हैं। तो पहले जो हम शिमला मिर्च अपने लिए लगा लेते हैं, फिर बाद में सेल करते हैं। तो इस तरह से जो है ढक रहे हैं इसको, तो हमने जो बीज जो डाल दिया, देख सकते हैं आप, ये थोड़ा नीचे जो डाल रहे हैं बीज, तो ऊपर से हमने बीज डाला और इसकी जो है मिट्टी भी ढकने जो है स्टार्ट कर दिया है। तो बिल्कुल इस तरह से ही ढक, जो भी मेरे भाई जो है फार्मिंग का काम करते हैं, तो इस तरह से ही नर्सरी डालें, पहले मिट्टी जमीन को जो बिल्कुल समतल कर लें, बिल्कुल इसको जो चिकनी मिट्टी कर लें, ताकि जो है पौध जो है अच्छी तरह से जर्मिनेशन हो, पौध को जो है अच्छी खुराक मिले, इसमें जो है इस नाइट्रोजन की मात्रा भी कम नहीं होनी चाहिए। नाइट्रोजन के लिए हमें जो है नाइट्रोजन के लिए हम जो इसमें जैविक तत्व जो है पौष्टिक बर्मिंग कंपोस्ट वगैरह डालते हैं पौष्टिक तत्व, जो ताकि इससे ताकि इनसे जो है मिट्टी उपजाऊ हो सके, और मिट्टी उपजाऊ की वजह से जो है प्लांट जो जल्दी अंकुरित होते हैं। तो इसको जो है अब डाल रहे हैं मिट्टी, तो मिट्टी डालने के बाद इसमें जो है ढक दिया जाएगा तिरपाल से, और उसके बाद इसकी जर्मिनेशन होगी, तब मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से कैसे इसकी जर्मिनेशन हो रही है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, तो फाइनली हमने जो है मिट्टी डाल दी, तो अब इसको जो है ढक रहे हैं इसमें तरपाल से, इसको जो है ढक दिया जाएगा, और तरपाल से ढकने के बाद इसको जो है इसके ऊपर जो जूट की बोरी दे दी जाएगी, ताकि इसमें जो नमी बनी रहे। तो हमने जो इनको फाइनली ढक दिया है पॉलीथीन से, जूट की बोरी डाल दी ऊपर, ताकि इसमें जो नमी बनी रहे। तो ये खाली बेड को भी ढक दिया, ताकि इस खाली बेड को जो है बाद में इसमें जो है नर्सरी डालेंगे, अगर इसको ढकते नहीं तो इसमें जो ज़मीन जो है गिल्ली हो जाती और ख़राब हो जाती, मॉइस्चर आ जाता और हम नर्सरी डालने में और लेट हो जाते। तो इस यहाँ जो हमने शिमला मिर्च की नर्सरी बीच वाले बेड में जो है शिमला मिर्च की नर्सरी डाल दी, नर्सरी डालते इसमें ढकने के बाद बिल्कुल तुरंत जो बारिश भी लग पड़ी है दोस्तों, देख सकते हैं आप बारिश लग पड़ी है। तो ये बारिश देख सकते हैं, बारिश जो है लग पड़ी है, हल्की बारीक बारिश जो है लग पड़ी, तो यहाँ जो पानी इकट्ठा होने शुरू हो गया, इस तरह से बारिश जो है लग गई। तो दोस्तों फाइनली जो शिमला मिर्च की जर्मिनेशन हो चुकी है, इसका अंकुरण, प्रॉपर अंकुरण हो चुका है। तो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया कि कैसे इसकी नर्सरी डाली जाती है, कैसे कैसे डाली जाए, तो पूरी प्रॉपर जानकारी बताई। तो फाइनली लास्ट में जो इसका अंकुरण हो चुका है, तो इसको मैंने इसके ऊपर घर भी बना दिया है। तो इसको घर बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इसको धूप और बारिश से बचाया जा सके। तो ये लगभग जो 1000 से 1500 प्लांट है, ये मैं अपने इन प्लांट को नीचे जो है जब बड़े खेत में ट्रांसप्लांट करूँगा, तभी मैं वीडियो के माध्यम से बताऊँगा आपको कैसे जो नर्सरी तैयार की जाती है और कैसे इसकी रोपाई की जाती है। तो वीडियो को जो है चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो साथ में जो टमाटो की नर्सरी तो बिल्कुल तैयार ही है, समझो लगभग तैयार हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं आप, तो फाइनली जो टमाटर की नर्सरी भी तैयार है, और शिमला मिर्च के साथ हरी मिर्च की आगे, हरी मिर्च के साथ बैंगन भी है कुछ थोड़े, तो इनकी जो प्रॉपर जर्मिनेशन जो हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं,